Welcome to Srinagar, Kashmir. Hi all, namaste and welcome back to our channel. हम रुके हुए हैं डल लेक के हाउस बोट में। लेके जा रहे हैं टेरेस की तरफ। ये देखिए अचानक से क्या होता है। वाव! Absolutely stunning and beautiful, isn't it? और ये व्यू है हमारे हाउस बोट के रूफ से। श्रीनगर के लेक्स बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल है और उतने ही खूबसूरत हैं यहाँ के गार्डन्स। एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट टुडेज एपिसोड। यू आर इन कश्मीर, डू नॉट मिस दिस। और इसके पीछे है डल लेक। From yellow they will turn into red. Har firdaus barwe zameen ast, hami asto, hami asto, hami asto. कहानी की शुरुआत यहाँ हमारे हाउस बोट के रूफ से नहीं बल्कि यहाँ हमारे हाउस बोट के रूम से शुरू होती है। हम तीन हाउस बोट में रुके लेकिन सिर्फ इसी हाउस बोट के रूम से हमें डल लेक का इतना अच्छा व्यू मिला। वॉशरूम से भी डल लेक का व्यू, नाउ दिस इज रियली अनइमेजिनेबल। This is actually very rare. तो चलिए इस हाउस बोट का एक टूर लेते हैं। हाउस बोट का नाम है मॉर्निंग ग्लोरी, सुपर डिलेक्स हाउस बोट है, घाट नंबर 7 के पास, अपोजिट वेलकम होटल। और ये एक छोटा सा इनका शिकारा है जहाँ से हम लोग इस शिकारे से अभी आए। और ये स्टेयर्स, यहाँ एक छोटा सा लॉबी एरिया है कॉमन बैठने के लिए। इस हाउस बोट में हमने एक यूनिक चीज देखी। टेबल पे ये जो ग्लास है इसके नीचे बहुत सारे कंट्रीज के करेंसीज है। जैसे आप देख रहे हो ये शायद थाईलैंड का है, थाई भट। ये मलेशिया है, ये तो पुराना 1000 रुपया जो बैन हो गया वो। बुखारी में क्या होता है कि इस लिड को खोल के इसके अंदर वुड डालते हैं, लकड़ी को डाल के जलाते हैं। जलाने के बाद इसको बंद कर देते हैं। बंद करते ही ये धुआं जितना भी है ये सारे पाइप से होते हुए ऊपर से बाहर चले जाता है और ये पूरा रूम को ऑटोमेटिकली गर्म कर देता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हीटिंग विच इज कॉल्ड एज बुखारी। ये देखिए बहुत सुंदर सा, ये क्या है भैया? कश्मीरी समावार बोलते हैं इसको। कश्मीरी समावार या फेमस कावा, कश्मीरी कावा इसी में भी बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोयला जलता है और साइड में इसके अंदर से पानी, अंदर से कोयला, वही हीट करता है इसको, पूरा बॉयल करता है। यू पास इसका ढक्कन है, जैसे बॉयल वॉयल होकर फिर इसको कप उसमें सर्व कर देते हैं। अभी हम जब अपनी हाउस बोट की तरफ आ रहे थे तो हमने डल लेक के घाट पे कुछ लोकल कश्मीरीज को इस समावार से चाय पीते हुए देखा। हम लोगों ने कवर किया था लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द बेडरूम्स। सो दिस इज अ कॉरिडोर। यह है पहला बेडरूम। वाओ, इट हैज वन डबल साइज बेड एंड सिंगल बेड। यह है रूम का हीटिंग सिस्टम और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है बहुत सारे हाउस बोट में नहीं मिलता है वो है रूम के अंदर से
ये विंडो विच ओपन्स अप टू द लेक। ये सेकेंड बेडरूम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, अगेन सेम, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, हीटिंग सिस्टम, ड्रेसिंग टेबल, एंड दिस इज द वॉशरूम ऑफ द सेकेंड। अगेन वाओ, नीट क्लीन नाइस वॉशरूम। दिस द व्यू फ्रॉम द विंडो ऑफ द वॉशरूम। ओके, तो पूरा हाउस बोट का टूर दे दिया हम लोगों ने। वो रेट्स तो अभी जा रहा है 2500-3000 इंक्लूडिंग डिनर ब्रेकफास्ट। 2500 इज ए गुड डील, तो आपके नंबर पे कॉल करके जरूर बुक कर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम? ये हमारे हाउस बोट के साइड में और एक हाउस बोट है ओनर का, जहाँ पे ये किचन है। फूड इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। नाश्ता आ चुका है इन द हाउस बोट। नाश्ते में है पोहा, में है टोस्ट, ब्रेड टोस्ट, बटर, जैम, जैम, और ये है ऑमलेट, ऑमलेट, इस हॉट पॉट में टी। और हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, एंड टुडे वी विल ट्राई टू डू अ श्रीनगर लोकल साइट सीन। लेट्स गो, शिकारा इज वेटिंग फॉर अस। काई जाला बोला। अब हम जा रहे हैं श्रीनगर साइट सीइंग करने के लिए, देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं। मुगल गार्डन्स के 4 पार्ट्स है और शंकराचार्य टेंपल है। आशीर्वाद दे दिया तो हो गया। When the journey is as beautiful as the destination, वो अभी इस जगह बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप श्रीनगर आ रहे हो तो you should not miss this. हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि I love श्रीनगर का एक बहुत ही सुंदर सा बोर्ड है जो कि निशाद बाग के जस्ट ऑपोजिट है, तो सबसे पहले हम वहां जाते हैं। आई लव श्रीनगर, ये बोर्ड बिल्कुल निशाद बाग के ऑपोजिट है और इसके पीछे है दल लेक, अ परफेक्ट प्लेस टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस। चलो मैं घूम के आया, मेरे को पैसा दे दो, घूमने का पैसा दो। हाँ, फिर कल आऊंगा घूमने और कल फिर पैसा दूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। निशाद गार्डन के बाहर ये कुछ सुवेनियर्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो लेट्स गो इनसाइड निशाद बाग एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल गार्डन। There are 4 Mughal gardens in Srinagar and one of them is Nishad Bagh. Emperor Jahangir ki wife Noor Jahan ke bade bhai jinka naam tha Asif Khan, he designed and built
निषाद बाग इन 1633 AD। इस गार्डन के बारे में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। उस वक्त के एम्परर शाहजहां इस गार्डन को घूमने आए और उन्हें ये गार्डन इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने आसिफ खान को रिक्वेस्ट किया कि ये गार्डन उन्हें गिफ्ट कर दे। लेकिन आसिफ खान ने बड़े ही मेहनत से इस गार्डन को बनवाया था, ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया। शाहजहां को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने इस गार्डन का पूरा वाटर सप्लाई रोक दिया। ये तो हो गई इस गार्डन की स्टोरी। अब हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं इन सिनेमैटिक शॉट्स के साथ। चलिए श्रीनगर गार्डन टूर की स्टोरीज को आगे बढ़ाते हैं। निषाद गार्डन के बाद अब जा रहे हैं शालीमार गार्डन की ओर। शालीमार गार्डन के टिकट काउंटर के जस्ट सामने ये एक सुवेनियर शॉप है। ये मैग्नेट वाला 50 रुपीज और ये सारे 30 रुपीज और ये सारे 20 रुपीज। सो हमने एक टिकट ले लिया है। सो ये है एंट्रेंस। मोहब्बती में जो ये बड़े बड़े पेड़ है ना, ये लाल होता है, ये वही है। बहुत सारे मूवी शूटिंग हुए जी, बहुत सारे पहले भी हुआ था। रॉकी संगीत रॉकी रॉकी मेरा रॉकी मेरा रॉकी मेरा वो जी। चलो आज आप हमारे मेहमान है, आप मजे ले लो। यहाँ ये सामने इतने सारे चिनार के पेड़ हैं, अभी इनमें पत्ते नहीं हैं। ये चिनार के पेड़ हर सीजन में एक अलग रूप में दिखते हैं, अलग रंग में दिखते हैं। जैसे अभी विंटर में बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं, पर समर आते आते कुछ ही दिनों में ये सारे चिनार के पेड़ हरे भरे पत्तों से भर जाएंगे। एंड देन ऑल दिस ग्रीन लीव्स विल टर्न इनटू येलो एंड फाइनली फ्रॉम येलो दे विल टर्न इनटू रेड। दो तीन पेड़ भी यहाँ है, पूरा व्हाइट कलर, ये गोल्डन कलर वो होता है दिसंबर में, पूरा गोल्डन कलर वो ऊपर है। वो तीन दो तीन ये दिखाऊंगा, ये है वो 10 रुपए जिसमें ये गार्डन है। देखो इंडिया करेंसी पर 10 रुपए नोट दी थी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये बिल्डिंग, ये हाँ हाँ, अरे ये बिल्डिंग है। ओ, इस गार्डन में, इस गार्डन में, इस गार्डन में जिब्बी मेहता का शो भी हुआ। गाइड साहब से पता चला कि ये जो 10 रुपए का नोट है, इट इज सो यूनिक एंड ओल्ड दैट अगर ये नोट आपके पास है तो वो हजारों लाखों रुपए का वैल्यू है उसका। 1619 में मुगल एम्परर जहांगीर ने शालीमार बाग को अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनवाया था। हर फिर दोस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। हम सब ने कश्मीर के बारे में ये फेमस लाइंस तो कई बार सुना होगा। आमिर खुसरो के ये फेमस लाइंस शालीमार गार्डन में लिखा हुआ है। यहाँ के टॉप मोस्ट टेरेस के ब्लैक पवेलियन पे ये लाइंस एंग्रेव्ड है। हमें शालीमार बाग बहुत पसंद आया, द ब्यूटी एज वेल एज द स्टोरीज रिलेटेड टू दिस प्लेस।
होप आप सबको भी ये जगह और इससे रिलेटेड स्टोरीज उतने ही पसंद आए होंगे। We really enjoyed making this video. Thank you so much for watching.